पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मिडटाउन क्लब मुरादाबाद में रोटरी क्लब मुरादाबाद सेंट्रल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेस्ट दीपक जैन, गेस्ट ऑफ ऑनर रोटेरियन क्रांति मेहता, क्लब अध्यक्ष रोटेरियन अनुज अग्रवाल, सचिव रोटेरियन नितिन अग्रवाल, रोटेरियन अतुल सोसी ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि आगामी दिनों में रोटरी के द्वारा और भी जरूरी कार्य पूरे किए जाएंगे तथा कहा गया कि समाज की मदद करने में रोटरी ने अपना बखूबी साथ निभाया है। बताया गया कि समाज की मदद करने के लिए लोग रोटरी से जुड़ रहे हैं और समाज के सेवकों में हर दिन इजाफा हो रहा है। प्रेस वार्ता से पहले रोटरी क्लब मुरादाबाद सेंट्रल द्वारा रामचंद्र शर्मा कन्या महाविद्यालय में अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। बालिकाओं को स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद वातावरण की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए क्लब के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। कितना जरूरत है, कितनी जरूरत और फ्रॉम द फेस ऑफ वर्ल्ड पोलियो इरेडिकेशन में जो 30 वर्ष काम किया रोटरी ने 1985 से और अब तक, तो केवल दो देशों में पोलियो बचा है, जबकि मरीजों की संख्या बहुत होती थी पोलियो विक्टिम्स की। ये रोटरी की देन है। WHO, यूनिसेफ वगैरह सब इसमें साथ आए और अब इस वक्त रूबेला और मीजल्स नामक बीमारी, इसका कार्यक्रम अब लिया गया है। सैनिटेशन, हाइजीन, वाटर, ताकि ये जो बच्चों की और मदर्स को जो बीमारी होती है वो मिटाई जा सके। लिटरेसी का बहुत बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। मेडिकल और हेल्थ चेकअप, डेंटल कैंप्स, आई कैंप्स, बच्चों को निशुल्क वस्त्र वितरण, ये तो हमारे रूटीन प्रोजेक्ट्स हैं जो थ्रू आउट इंडिया चलते हैं। तो हमें खुशी ये है कि अगर विश्व के 206 देशों में 35,000 क्लबों के माध्यम से 12.5 लाख रोटेरियंस पूरे सेवा में लगे हुए हैं, तो उसका लगभग 11% हिस्सा भारत में है। भारत में इस वक्त 3600 क्लब हैं और 135,000 मेंबर हैं, जो भारत में सेवा भावना कूट कूट कर बनी। समाज की सेवा करने के लिए रोटरी के बैनर तले एक संगठन, एक ग्रुप तैयार करेंगे और ऐसा कार्य करेंगे जो वर्षों तक याद किया जाए और रियल में समाज के सामने एक सॉलिड कोई कार्य रोटरी द्वारा किया हुआ दिखाई दे। इस क्लब के द्वारा भैया नई रणनीति में हम लोग रोटरेट क्लब के द्वारा रोटरी डिसमिनेशन बराबर रहे, जैसे अभी आपको बताया कि जो जेन्युइन समस्याएं समाज की हैं और उनको कैसे पार कर सके, तो रोटरी इंटरनेशनल सबसे अच्छी गाइडलाइन आती है कि आप क्लब लेवल पे अपने सभी मेंबर्स के साथ, मेंबर मीन्स वॉलंटियर कहलाए जाते हैं, उसको सभी को जोड़ के कैसे आप ज़्यादा इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। और फाउंडेशन का जहाँ तक इन्वॉल्वमेंट होता है, उससे फंड्स के इन्वॉल्वमेंट है, टॉयलेट ब्लॉक के लिए भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आ रहा है फंड बराबर, एम्बुलेंस के लिए भी जैसे आप देख रहे हो चल रही है शहर में रोटी, उसके लिए भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सब चीज़ें ऊपर से रेंडर पर मेन जो हमारा भी संदेश होता है वो यहाँ के मेम्बर्स को जोड़ के और रोटरी के जो विशेष कार्यक्रम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक नई रूपरेखा दी जाए, उन्हें सही कार्य। लिटरेसी का बहुत अच्छा प्रोग्राम रोटरी का चल रहा है इस वक्त। लिटरेसी का मतलब ये नहीं कि उन स्कूलों तक है, लिटरेसी का प्रोग्राम मीन उसको है जिनके पास जो बहुत सारे मजदूर ऐसे पढ़े लिखे नहीं है, पंद्रह उन्हें नोटों पे ही ज्ञान हो जाए कि कौन सा 5 का नोट है, कौन सा 6 का नोट है, कौन सा 2,000 का नोट है, तो आप 2,000 का नोट दे रहे हैं उन्हें वापसी कितनी हो रही है। या और शिक्षा में मीन्स जो रात को जैसे बहुत सारे मजदूर ऐसे फैक्ट्री में काम करते हैं, शाम को 7 बजे फ्री हो गए, उनके लिए स्पेशल क्लासेस ऐसे बोर्ड शिक्षा जिसे कहते हैं ना, उसके क्लासेस का भी प्रोग्राम रोटरी कर रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।